हेलो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है एक्सावेटर ल्यूब्रिकेंट कैपेसिटी एंड इंटरवल चेंज। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है हमारे एक्सावेटर के लिए और हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारी एक्सावेटर में ल्यूब्रिकेंट कैपेसिटी क्या होता है और उसका चेंज करने का टाइम क्या है। विभिन्न कंट्रैक्शन, माइनिंग और अपना एक्टिवेशन कार्यों के लिए जिन भारी भरकम मशीनों पर हम विश्वास भरोसा करते हैं, एक्सावेटर की इफिशियंसी और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उचित ल्यूब्रिकेशन आवश्यक है। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने, महंगी खराबी को रोकने के लिए एक्सावेटर के लिए ल्यूब्रिकेंट कैपेसिटी और इंटरवल चेंज बहुत को समझना बहुत जरूरी है। ल्यूब्रिकेंट के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। एक्सावेटर अत्यधिक गर्मी में काम करता है, दबाव में काम करता है और बहुत सारे पार्ट्स घर्षण भी अधिक और कठिन वातावरण में काम करते हैं। पर्याप्त वातावरण ल्यूब्रिकेंट घटकों पर टूट फूट को कम करता है, गर्मी को कम करता है, अपनी मशीनरी में जंग लगने से मशीन को बचाता है और जिससे मशीन की परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है, मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। उचित ल्यूब्रिकेंट ऊर्जा की खपत और परिचालन लागत को भी कम करता है और जिससे यह एक्सावेटर रख रखाव में एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। नंबर दो पर हम बात करते हैं ल्यूब्रिकेंट कैपेसिटी के। ल्यूब्रिकेंट कैपेसिटी, ल्यूब्रिकेंट की क्षमता। एक्सावेटर में विभिन्न गतिमान पार्ट होते हैं जिनमें से प्रत्येक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विशिष्ट ल्यूब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। किसी एक्सावेटर की ल्यूब्रिकेंट क्षमता उसके मॉडल आकार और विन्यास पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक्सावेटर में इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, गियर वॉक्स ऑयल और ग्रीस अलग अलग स्टोर सैंप होते हैं। निर्माता विभिन्न परिचालन परिस्थितियों के तहत उचित ल्यूब्रिकेंट सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घटक के लिए अनुशासित ल्यूब्रिकेंट के प्रकार और क्षमताओं के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं और कस्टमर को भी समझाते हैं कि हमारी मशीनरी में ये ल्यूब्रिकेंट कैपेसिटी है और ये ग्रेड का ऑयल डले। नंबर तीन पर आते हैं हम, इंटरवल चेंज, यानी हमारी एक्सावेटर मशीन में ल्यूब्रिकेंट को चेंज कब करें और उसका टाइमिंग क्या होता है। तो इंटरवल चेंज यानी एक्सावेटर में ल्यूब्रिकेंट कब और किस समय पर बदला जाता है। दूषित पार्टिकल को हटाने, ऑयल में अच्छा चिपचिपाहट बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ल्यूब्रिकेंट बदलना बहुत आवश्यक है। एक्सावेटर में ल्यूब्रिकेंट के लिए अंतराल परिवर्तन संचाल घंटों के हिसाब से किया जाता है। परिवेश के तापमान, कार्यभार आदि पर विभिन्न होता है। एक्सावेटर निर्माता कंपनी आमतौर पर इंजन ऑयल 250 से 500 घंटे में चेंज करने के लिए बोलता है, हाइड्रोलिक ऑयल 1000 से 2000 घंटे में चेंज करने के लिए बोलता है, गेयरबॉक्स ऑयल 250 से 500 और 1000 तक ल्यूब्रिकेंट बदलने की सलाह देते हैं। ग्रीस फिटिंग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम 50 से 100 घंटों के अंदर या डेली रूटीन डेली मेंटेनेंस में चेक के द्वारा आवश्यकता के अनुसार हमें ग्रीस करते हैं और हमें ये जानना होगा कि ल्यूब्रिकेंट कैपेसिटी और इंटरवल चेंज को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले जिनको हमें जानना बेहद जरूरी है, सबसे पहले ऑपरेटिंग कंडीशन, ऐसी साइट कंडीशन जहां पर अधिक तापमान, भारी भार और धूल भरा वातावरण वाली जगह पे खुदाई करने वाले घटकों को खराब कर देते हैं और जिससे बार बार ल्यूब्रिकेंट बदलने की आवश्यकता होती है। यानी कि इन्वायरमेंट हमारी मशीन के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जहां पे ज्यादा तापमान भी नहीं होना चाहिए, जहां पे ज्यादा धूल भरा एरिया भी नहीं होना चाहिए। उससे बचने के लिए हमें पानी स्प्रिंकलिंग से पानी छिड़कना चाहिए ताकि डस्ट वाला इन्वायरमेंट न हो हमारी मशीनों के आसपास। इससे क्या होता है कि आपको सर्विस पे इम्पेक्ट नहीं जाता है। अगर ज्यादा डस्ट होगा तो उसमें आपको सर्विस जल्दी करना पड़ेगा, ये कारण है। तो इसलिए क्लीन वातावरण रखने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा नंबर आता है हमारा मेंटेनेंस प्रैक्टिस। हमें एक्सावेटर में ल्यूब्रिकेंट प्रणालियों को नियमित निरीक्षण, रखरखाव, उचित ल्यूब्रिकेंट सत्र सुनिश्चित करना होना चाहिए। अंतराल परिवर्तन की अवधि को बढ़ते हुए देखते ही सही समय पर ल्यूब्रिकेंट को बदलना चाहिए और भविष्य में आने वाले जोखिम को भी कम करता है। तो हमें डेली रूटीन डेली मेंटेनेंस में ऑयल लेवल चेक, ऑयल डस्टी तो नहीं है और अपना मशीन डस्टी एनवायरनमेंट में तो नहीं चल रहा है, ये सब छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान रखते हुए मशीन को चलाना चाहिए ताकि हमारे ल्यूब्रिकेंट चेंज करने की अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। और सबसे अहम भूमिका निभाता है क्वालिटी ऑफ ल्यूब्रिकेंट। हमारे ऑयल का
लुब्रिकेंट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, तो वो उसके लिए हम नंबर 3 पे लेते हैं क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्सावेटर निर्माता कंपनियों के बताए गए निर्देशों को पूरा करने या उससे अधिक उच्च गुणवत्ता वाले लुब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से एक्सावेटर के प्रदर्शन में भी वृद्धि होती है और लुब्रिकेंट चेंज करने की भी अवधि बढ़ती है। अगर हम कई बार क्या होता है, सिंगल कस्टमर छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़ा नुकसान ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, जब सर्विस करने वाली होती है तो बोलते हैं अभी तो 2 घंटे चली, अभी तो 50 घंटे चली, अभी तो 200 घंटा चले आया, अभी ऑयल का क्वालिटी अच्छा है, चलने दो। इससे क्या होता है, हमारे पार्ट्स लुब्रिकेंट का क्वालिटी घट जाता है और हमारे पार्ट्स वियर होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारी मशीन 2 से 3 साल में डेड कंडीशन में चली जाती है और हमें पता नहीं चलता है। फिर हम ऑब्जेक्शन करते हैं ऑपरेटर पे कि ऑपरेटर अच्छा नहीं है, इसने मशीन का बैंड बजा दिया। तो सबसे पहले सभी ऑपरेटर भाइयों को मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि आप जब भी कहीं किसी भी कस्टमर का मशीन चला रहे हो तो कभी भी सर्विस के साथ में खिलवाड़ न करें। जब टाइम आए तो आपको सर्विस सही टाइम पे करना चाहिए, उससे हमें भी प्रॉफिट है और कस्टमर को भी प्रॉफिट है। और नंबर 4 पे लेते हैं हम ऑपरेटर ट्रेनिंग। एक्सावेटर ऑपरेटर ट्रेनिंग वीकली होना चाहिए। लुब्रिकेंट की प्रक्रियाओं और एक्सावेटर के प्रदर्शन की निगरानी के संबंध में ऑपरेटर को ऑपरेटर प्रशिक्षण बताना चाहिए और प्रशिक्षण से बड़े से बड़ी समस्याओं का पहचान कर पाता है ऑपरेटर। अगर उसको सही टाइम पे लुब्रिकेंट्स के बारे में, अपना एक्सावेटर मशीन के बारे में परफेक्ट जानकारी है तो वो सब ये कर सकता है। अगर आप अच्छा हो एक ऑपरेटर बनना चाहते हैं और एक अच्छा सा स्किल लेना चाहते हैं तो GMR वरना लक्ष्मी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। 3 महीने का ट्रेनिंग है, रहना खाना फ्री है। तो आप सबसे ज्यादा ऑपरेटर भाइयों को ये बात बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आके कर सकते हैं। के कंक्लूजन पर ध्यान देते हैं। एक्सावेटर के अच्छा प्रदर्शन, विश्वास एवं लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक्सावेटर लुब्रिकेंट कैपेसिटी और इंटरवल चेंज को समझना बहुत जरूरी है। एक्सावेटर निर्माता कंपनी की सिफारिश का पालन करके, नियमित निरीक्षण करके, सर्वोत्तम प्रणाली के नियोजित करके, उचित ऑपरेटर ट्रेनिंग देके और एक्सावेटर की दक्षता और परिस्थिति को अधिकतम कर सकते हैं सुरक्षित, और आप उत्पादन कार्य क्षेत्र में बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी मशीन को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में हम बड़े नुकसान से बच सकें और हमारी मशीन लंबे समय तक चल पाए। तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऑपरेटर को ट्रेंड करना चाहिए और जो ऑपरेटर ट्रेंड होगा वो मशीन और मालिक को कभी भी घाटे का सौदा नहीं करने देगा। तो इसलिए एक अच्छा ऑपरेटर बनिए और एक अच्छा केयर ट्रेकर बनिए, ऑपरेटर के साथ साथ एक मशीन का अच्छा केयर ट्रेकर बनिए, ताकि आप एक अच्छा ऑपरेटर बन सकें और एक अच्छी सैलरी पा सकें। अगर मेरी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या कंटेंट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे बारे में अगर आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और आप कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में मेरे को जरूर बताएं, ताकि फिर मैं उसी लोकेशन में आपको वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं एक दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।